चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड के नाम से जो आपकी बुक्स है, इसी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो इसमें अभी तक आपके 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। पांचवा चैप्टर है जन संघर्ष और आंदोलन से संबंधित। याद रखिए, अगर आप सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास। तो समय रहते हुए इन्हें सभी बुक्स को 1 से 2 बार पढ़ लें आराम से। और हम लोग आप कक्षा 6वीं से कक्षा 9वीं तक की सभी बुक्स कवर कर चुके हैं और कक्षा 10वीं की बुक्स देख रहे हैं। इस तरह हम लोग कक्षा 12वीं तक की सभी बुक्स कंप्लीट करेंगे। इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी गई है। जो आपके लिए सभी बुक्स जरूरी है वो सभी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड कर आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को देखते हैं हम लोग। पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा है कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है और सरकार के अलग अलग अंग तथा विभिन्न सामाजिक समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। इस अध्याय में हम इसी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं है, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से भी मुक्त नहीं रह सकते। लोकतंत्र में अमूमन हितों नजरियों का टकराव चलते रहता है। हितों नजरियों के इस द्वंद की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबावों में संतुलन बैठाना पड़ता है। इस अध्याय की शुरुआत में हम जानेंगे कि कैसे परस्पर विरोधी मांगों और दबावों के बीच लोकतंत्र आकार ग्रहण करता है। इस चर्चा में क्रम में हम यह भी जानेंगे कि आम नागरिक विभिन्न तरीकों और संगठनों के सहारे लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। अध्याय में हम राजनीति को प्रभावित करने वाले अप्रत्यक्ष तरीके यानी कि दबाव समूह और आंदोलनों की चर्चा भी करेंगे। इस तरह हम अगले अध्याय की बातों के लिए तैयार होंगे, जिसमें राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक दलों के जरिए नियंत्रित करने यानी राज सत्ता को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष तरीके की चर्चा की गई है। एक बात सोचिए आप लोग, अन्य देशों में तो हो सकता है कि राजतंत्र सफल रहा है। कई देशों में आपने देखा है कि राजतंत्र है फिर भी विकसित देश है, वहां की स्थिति जनता की ठीक है, वहां आप सोचिए कि उनकी खुद अपनी अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक ठीक है। लेकिन मुझे भारत में नहीं लगता है कि ये राजतंत्र होता तो हमारे यहाँ की जो जनता की अभी खस्ता हालत तो अभी भी है। ये बुराई नहीं कर रहा, ये वो सच बता रहा हूँ जो हकीकत है। आप सोचिए कि अगर आपको वोट देने का अधिकार ना होता और ST SC जनजाति या फिर आदिवासी जो भी है, अगर इन्हें आप सोचिए कि वोट देने का अधिकार ना होता तो क्या इनकी कोई सुनता? अभी अगर नेता जाके 2-4 बार चक्कर लगा लेते हैं उस क्षेत्र का, क्या ये लगाते? कभी ना लगाते। यानी कि खस्ता से बुरी हालत हो सकती थी अगर आपके यहाँ लोकतंत्र ना होता। एक भगवान से दुआ करिए कि कम से कम हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, महात्मा गांधी जैसे नेता रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र दिया हमें, और लोकतंत्र दिया जिसकी वजह जितना भी मिल रहा है अभी काफी हमारी ये बात सुनी जा रही है। जब सोचिए कि आपका कोई महत्व ना होता तो कौन? आप अपने घर में देख लीजिए, अगर आप बेरोजगार हैं, आप कुछ कमाते धमाते नहीं है, तो आपके बच्चे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, लोगों की छोड़िए। तो यही होता कि अगर आप काम के हैं किसी के तो वो आपकी पूजा करेगा, और काम के नहीं है तो छोड़ देगा आपको। तो यही हाल होता हमारे देश की जनता का। और वैसे अभी हाल कुछ ठीक नहीं है, कोरोना महामारी में आपने देखा है किस तरह से रोड पर लोग मरते रहे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तो नेता, इस समय का नेता और उस समय के नेता में बहुत फर्क होता है। अब बेरोजगारों को देखिए, बच्चों के पेपर नहीं कराए जा रहे हैं, और विधायक खरीदने के लिए, सरकार गिराने के लिए, सरकार तोड़ने के लिए हर सरकारों के पास पैसे हैं। आप राजस्थान का मामला देख सकते हैं कि MP का मामला देख सकते हैं कि जब कोरोना से जनता को मदद की उम्मीद है उस समय आप नेता जो भी विधायक जिन्हें आपने सुना है वो मतलब अपने लालच के लिए मरे जा रहे हैं। इससे बुरी स्थिति कुछ हो सकती है कि तुम्हें जनता के लिए चुना है, जनता का ख्याल ना रखकर तुम अपना ख्याल रख रहे हो। रामायण देखी जा रही है, महाभारत देखी जा रही है, आप खुद अंदाज लगाइए कि अगर भगवान श्री राम होते इस समय तो मुझे नहीं लगता है कि वो घर में बैठकर दुमक कर बैठे होते। वो बराबर अपनी जान जोखिम में डालते हुए आप देखिए कि रोड पर खड़े होते, सबकी मदद कर रहे होते। तो राम मतलब अलग बात है, राम राज, और अभी का राज
जमीन आसमान का फर्क है। तो अपना इतना ही कहूंगा कि अपना ख्याल रखिए और थोड़ी इंसानियत निभाते जाइएगा। अगर पड़ोसी कोई है तो मैंने कई डॉक्टरों को देखा है, कोरोना हुआ है तो मतलब बड़ी दुआएं मांगी जा रही हैं। अरे भाई, जो पड़ोसी है उससे नफरत कर रहे हैं आप लोग, ये कहाँ की महानता है? आपका पड़ोसी है, कम से कम आपकी इतनी तो सहूलियत हो, इतना तो कर्तव्य बनता है कि उसकी मदद करें, उसे एक मतलब दम दे, भरोसा दिलाया ठीक हो जाएगा। नहीं, तुम भगवान की तरह दूसरे लोगों को मान रहे हैं। यही तुम्हारा हाल नेताओं में है कि नेताओं के प्रति तुम अंधभक्ति दिखा रहे हो और अपने पड़ोसियों के प्रति तुम्हारे अंदर कोई व्यवहार नहीं है। नेता आपकी कुछ नहीं सुनते हैं, फिर भी आप उनकी भक्ति लगे जा रहे हो। छोड़िए, फरहाल जैसा आपको लगे वैसा करिए, बस अपना ख्याल रखिए, थोड़ी इंसानियत। कितने साल हमारी जिंदगी रहेगी? 70, 80, 200 साल जी लोगे? क्या उखाड़ लोगे? एक उद्देश्य होता है जिंदगी जीने का, अगर वो उद्देश्य नहीं है आपका तो आप मरे हुए समान हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं। आप जैसे 135 करोड़ जनसंख्या हमारे देश में पल रही है, कौन याद रखता है किसी? तो इंसानियत निभाते रहिए। नेपाल और बोलीविया में जन संघर्ष, क्या आपको पोलैंड में लोकतंत्र की जीत की कथा याद है? हमने इसके बारे में पिछले साल कक्षा 9वीं की पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ा था। यह कहानी हमें लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका की याद दिलाती है। आइए इस तरह की दो हालिया घटनाओं के बारे में हम पढ़ें और जानें कि लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है। सबसे बात करते हैं, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। इस नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन सन 2006 में के अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। शायद आपको याद होगा कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर देश में एक है, जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। अत्यधिक राजतंत्र में संविधानिक राजतंत्र के संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कतलेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई और नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया और सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को आपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। और 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ, उसका लक्ष्य शासन की बात को राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक सेवन पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन SPA बनाया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। इस प्रतिरोध से जल्दी अनैतकालीन बंद का रूप ले लिया। ये देख रहे हैं आप लोग, याद रखिए, एक बात तो याद रखना पड़ेगा आपको कि देखिए, अगर आप अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों का, तो आपको तो संघर्ष करना पड़ेगा। आप सोचे बिना संघर्ष के कुछ उखड़ जाए? कुछ नहीं उखड़ने वाला, ना तो अभी तक उखड़ा है और ना ही आगे मुझे लगता है। आप सोचिए कि गांधी जी, भगत सिंह, सुखदेव साहब, इस तरह के लाल बहादुर शास्त्री साहब, वल्लभ भाई पटेल साहब, अगर ये लोग, मतलब कई नेता है, नाम कुछ ही के लिए है लेकिन कई नेता है, अगर ये सहयोग ना करते, ये संघर्ष ना करते, तो आज भी हम लोग उसी गुलामी में जी रहे होते। तो उन्होंने बलिदानी दी, तभी तो हम लोग आज सुख से जी रहे, और हमें बलिदानी देनी होगी, मतलब हमें संघर्ष करना होगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी जी पाएगी। वरना आप हाल देख रहे हैं देश का किस तरह से बढ़ता जा रहा है। नेपाल के लोग और राजनीतिक दल एक रैली में लोकतंत्र की बहालों की मांग करते हुए, सब इसमें माओवादी बागी तथा अन्य संगठन भी साथ हो लिए। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक ना चल सकी। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। राजा ने आधे आधे अधूरे मन से कुछ रियायतें देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। नेता अपनी मांगों पर अड़ग रहे कि संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने और एक नए संविधान
का गठन हुआ। 21 अप्रैल 2006 को अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बात हुए। एसपीए ने गिरजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किया। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई और नए संविधान के निर्वाचन के तौर तरीकों पर एसपीए और माओवादियों के बीच सहमति बनी और 2008 में राजतंत्र को खत्म किया गया और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना। अब बात करते हैं, या माओवादी की बात अगर करें हम लोग, चीनी क्रांति के नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी, माओवादी मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशक्त क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भी सीपीआई इस तरह के जो नेता है तो ये भी अभी भी ये किसानों के लिए लड़ने की बात करते हैं, ये पूंजीपतियों के खिलाफ रहते हैं, समझ रहे हैं। इनकी विचारधारा मतलब गरीबों के प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव होती है। फिर आपका बोलीविया का जल युद्ध, नेपाल तथा अथवा पोलैंड की कथा है लोकतंत्र की स्थापना उसके पुनरुद्धार की बात बताती है, लेकिन जनसंघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। इसे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जनसंघर्ष की अंदरूनी विरसता है। निजीकरण का ये मतलब लाभ होता है कि इतने है आपकी, अभी आप सुन रहे हैं ना कि निजीकरण किया जा रहा है, तो किसी पूंजीपति के हाथ में दे देना कुछ हिस्सा उसका, तो उसे ही आप लोग निजीकरण कह देते हैं। बोलीविया लातिनी अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपने नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। सरकार ने कोच बम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। इस कंपनी ने आनंद फानंद में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया और अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल 1,000 रुपये तक पहुंचा, जबकि बोलीविया में लोगों की औसत आमदनी 5,000 रुपये महीना। इसके फलस्वरूप स्वतःस्फूर्त जनसंघर्ष भड़क उठा। आपको पता होना चाहिए कि निजी कंपनी, जो भी निजीकरण होता है, जो भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो लाभ पर ज्यादा ध्यान देती हैं, समझ रहे हैं आप लोग। उन्हें जन कल्याण से कोई मतलब नहीं है कि जनता उसका भुगतान करने लायक है भी या नहीं, उन्हें अपने फायदे से मतलब रहता है। और जनता अगर सरकार के हाथ में वो कंपनियां रहती हैं तो आप सोचिए वो जन कल्याण को ध्यान में रखती हैं, लाभ को कम महत्व देती हैं, जनता का भला अधिक देखती हैं। सन 2000 में जनवरी में सैनिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया। इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों का की कामयाब आम हड़ताल की। सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन किया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा लिया, लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार आंदोलनकारी की सारी मांगे माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया और जलापूर्ति दोबारा नगर पालिकाओं को सौंपकर पुरानी तरह कायम कर दी गई। इस आंदोलन को बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं लोकतंत्र और जनसंघर्ष। इन दो कथाओं का संदर्भ बड़ा अलग अलग है। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलीविया में जनसंघर्ष में निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया। बोलीविया का जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इनके प्रभाव की स्तर अलग अलग थे। इन अंतरों के बावजूद दोनों ही कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक हैं। ये दोनों कथाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लाभवंद हुई। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। अगर आपको कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय की याद हो
तो आप पहचान जाएंगे कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है। इस तरह हम इन दो उदाहरणों से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यह एक बात आप लोग याद रखिए कि आप देखते हैं कि 1857 तक जो भी विद्रोह होते हैं वो असफल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी नहीं रहती है। कोई एक समूह आपका आंदोलन करता है, उसे कुचल देना आसान रहता है। लेकिन एक समय आपने देखा है कि 1900 के बाद तक, 1900 से बाद में, 1901 5 ले लीजिए, 1921 ले लीजिए, 1919 ले लीजिए, इस समय में क्या हुआ, 1942 तक पूरा क्या हुआ कि एक लामबंद हो गई जनता, एक संगठन सा बन गया, समझ रहे, कांग्रेस संगठन आपका 1885 में बना। उसके बाद से सभी परिस्थितियां बदल चुकी थी, इसमें आप संगठित होकर लड़ने लगे थे, अब किसी एक समूह के हित नहीं थे, ये पूरी जनता के हित थी। और इसी का हमें फायदा मिला है कि हमने देखा है कि अंग्रेजों को किस तरह से हार का मुंह देखना पड़ा और हमारे यहाँ हमें आजादी मिली। और आप सोचिए कि एक जगह अगर एक समूह कोई करता रहता विद्रोह तो अभी तक चल रहा होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत जल्दी दबाया जा सकता था उसके विद्रोह को। लेकिन जब जनता हावी हो जाती है तब मुझे नहीं लगता है कि दबा पाना मुश्किल होता। आज भी आप सोचिए कि आज अगर नेता खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एक दिन जनता, हो सकता है कि ऐसा दिन आए कि जनता उठ खड़ी हो। जब मानवता जागे, इंसानियत जागे, तो काट फाट शुरू कर दे और मरना मारना शुरू कर दे, तब देखना आपकी पूरी पलट जाएगी सत्ता और फिर नए नेता आएंगे ईमानदार। तो इस तरह के आंदोलन होना जरूरी भी होते हैं, वरना आप देखते हैं कि एक समय के बाद नेता भी भ्रष्ट हो जाते हैं और जनता का ख्याल रखने की बजाय अपना और अपने परिवार का ख्याल कुछ ज्यादा ही रखने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा दिन आएगा, हो सकता है। लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है, यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाए और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का संघर्ष ना हो, फिर भी इसे अपवाद ही कहा जाएगा। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो, उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो, अथवा वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में हो। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लाभमंदी के जरिए होता है। संभव है कि कभी कभी संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं, मसलन संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाए, लेकिन तब जब विवाद ज्यादा गहन होता है तो ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनके बाहर यानी जनता के माध्यम से होता है। ऐसे संघर्ष और लाभबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। यह बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव भी कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वतः स्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं। ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दलों, दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल हैं। यहाँ कुछ पैराग्राफ इसे भी देखिए। सन 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्प बोर्ड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन पर 40 सालों के लिए एक तरह से मुफ्त में दे दी गई। इसमें से अधिकांश जमीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के लिए चारागाह के रूप में करते थे। कंपनी ने इस जमीन पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने शुरू किए। इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज बनाने की लुगदी तैयार करने के लिए किया जाता था। सन 1987 में कितिको हक्योको अर्थात तोड़ो और रोपो नाम की एक आंदोलन शुरू हुआ। इसमें अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता अख्तियार किया गया। लोगों ने यूकेलिप्टस के पेड़ तोड़े और इसकी जगह वैसे पेड़ों के बिछड़े लगाए जो जनता के लिए फायदेमंद थे। नीचे कुछ समूहों का नाम दिए गए हैं, अगर आप इनमें से किसी समूह के होते तो अपने पक्ष के समर्थन में क्या दल, स्थानीय किसान, पर्यावरण कार्यकर्ता, उपयुक्त कंपनियों में काम करने वाले अधिकारियों अथवा कागज का उपभोक्ता। एक बात याद रखिए हमेशा कि आप सोचिए कि अभी भी आपने देखा है कई जगह इस तरह की मांगे मानी गई है, कई तरह की किसानों की, कई तरह आपने देखा है जनजातियों की, आदिवासियों की मांगे मानी गई है। देखिए पुलिस व्यवस्था कुछ नहीं संभाल सकती है। आपको लगता है कि आर्मी अगर आपकी जनता गृहयुद्ध होता है एक बड़े स्तर पर, गृहयुद्ध का यही है कि जब सरकार के प्रति असंतुष्ट हो जाएंगे लोग तो बगावत कर देंगे, वो बगावत करेंगे तो आपको लगता है कि पुलिस आपकी संभाल लेगी, कभी नहीं संभाल पाएगी पुलिस।
अंग्रेजों के जमाने में भी देखिए 1857 तक इसलिए स्थिति ठीक बनी रही क्योंकि कई हमारे देश के नेता बड़े बड़े राजा महाराजा अंग्रेजों से मिले हुए थे और अंग्रेजों का साथ दिया करते थे, इसलिए हमारे मतलब हम लोग पिछड़े हुए थे। लेकिन 1947 तक आते आते देखिए कि मतलब पूरा देश एक लंब बंद हो जाता है, एक लाइन में खड़ा होता है। उसके बाद अंग्रेज मतलब मजबूर हो जाते हैं देश छोड़ने के लिए। तो अभी भी ऐसा नहीं, अभी भी आप देख रहे हैं वही राजाओं महाराजाओं का काम आपकी जनता भी कर रही है। अगर एक आदिवासी पर अत्याचार हो रहा है तो बाकी समाज के लोग तमाशा देखते हैं, ताली बजाते हैं। किसी आपने देखा है किसी महिला के साथ जबरदस्ती या उसे प्रताड़ित किया जा रहा है तो कई लोग मतलब देख के मतलब अपनी तालियां बजाते रहते हैं, मतलब अपनी इंसानियत की जितनी हद हो सकती है गिरने की देख के तमाशा देखते रहते हैं। आप सोचिए कि ये उनके घर में बीतेगी जब, तब वो खड़े होंगे, तब उनकी बात समझ में आएगी कि ये लोग जब बाहर अगर हम लोग रोक देते तो शायद हमारे घर तक आने की नौबत ही ना आती। तो यही होता है कि एक दिन रोष सब में उत्पन्न हो जाता है। अभी समाज के एक पक्ष प्रताड़ित है, दूसरा मजा ले रहा है, लेकिन एक समय हो सकता है कि ऐसा आए कि सभी एक होकर इंसानियत को बचाने के लिए लड़े। देख रहे हैं अभी मैं कल ही परसों देखा कि कहीं MP में एक आदिवासी परिवार को किस तरह से मारा जा रहा है पुलिस के द्वारा। मतलब पुलिस मतलब ये सोचिए कि जिसे हम लोग रक्षक समझ बैठे हैं वही भक्षक का काम कर रहा है। और दूसरे समूह आप देखिए चाहे नेता, इससे क्या फर्क पड़ता है। आपने देखा है कई नेता इस तरह की आवाज उठाने लगते हैं तो उन्हें उठाना चाहिए, लेकिन उस पार्टी की जिसकी सरकार है उसके सभी मंत्री मुख्यमंत्री साहब चुप हों तो ये तो गलत बात है ना। बाद में कुछ भी होता है पहले ही सुधार दिया जाए, बाद में तुम FDM को हटा देते हैं, सबको हटा देते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। बदला थोड़ी है कुछ, उसके बाद फिर बहाल हो जाएगी वो। आपको इस सभी NCERT पढ़ाने का क्यों पढ़ाने के लिए कहा जाता है, पढ़ने के लिए इसीलिए क्योंकि एक तुम उसका हिस्सा बनने जा रहे हो उस अधिकारियों में। आपको कम से कम अपने कर्तव्यों का मतलब मालूम तो होना चाहिए कि आप 50 पुलिस वाले खड़े हुए हैं, वो एक पति पत्नी है, तुम उसे बेरहमी से पीट रहे हो, कम से कम तुम्हारा मतलब कर्तव्य तो होना चाहिए कि उसे अच्छी तरह से जो भी प्रॉब्लम है अच्छी तरह से समझा जाए सके। अब वहां जो भी हमें ना पता है ना आपको पता है कि वहां क्या प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन एक बेचारा गरीब मतलब जिसकी कुछ भी नहीं है, अब कहते कि तुम्हें मार रहा था पुलिस वालों को, तो 50 पुलिस वालों को एक मरा हुआ आदमी नहीं मार सकता है, उसके 4-5 बच्चे रो रहे हैं। तो ये स्थिति है हमारी, समझ रहे हैं। हो सकता है एक दिन ऐसा आए कि एक दिन बगावत के सुर बढ़ने लगे, लेकिन अभी मुझे दूर दूर तक ये नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं लामबंदी और संगठन। आइए हम ऊपर के दोनों उदाहरणों की तरफ लौटें और उन संगठनों की बात करें जिनके बूते ये संघर्ष सफल हुए। हमने देखा है कि नेपाल में अनेक नियतकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों के संगठन बंधन यानी कि SPA ने किया था। इस गठबंधन में ऐसे 7 दल बड़े दल शामिल हुए जिसके कुछ ना कुछ सदस्य सांसद में थे, लेकिन इस जंगल संघर्ष के पीछे सिर्फ SPA ही नहीं, इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने भी भाग लिया जिसे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशक्त संघर्ष चला रही थी और इसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया। याद रखिए एक समय की बात ऐसा होता है कि सबके हित एक हो जाते हैं, चाहे फिर आपकी कोई भी पार्टी हो एक ही विचारधारा को अपना लेती है और उनका मेन उद्देश्य होता है कि उस विचारधारा से लड़ना। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब यहाँ राजतंत्र को खत्म करने का था तो सभी पार्टियां एक आई और बाद में आपने देखा है कि फिर पार्टियां अलग अलग होकर अपने अपने चुनाव लड़ने लगी। तो मतलब सबका एक हित होने के बाद मतलब अलग अलग हित है फिर भी एक हित के हो, एक मतलब एक हित में लड़ना ये अलग बात हो जाती है। क्योंकि आप देख सकते 1947 के पहले नहीं होता था, मुसलमानों के अलग हित है, दलितों आदिवासी किसानों के अलग हक है, लेकिन हित है, लेकिन वो भी लड़ रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं कि संघ मतलब आजादी में बराबर का सहयोग दे रहे हैं। तो इस तरह से होता है। नेपाल के जनसंघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन भी शामिल थे, सभी बड़े मजदूर संगठन और उन्हीं के परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया। अन्य अनेक संगठन मसलन मूलवासी लोगों के संगठन तथा शिक्षक
वकील मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलिविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। इस आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर नामक संगठन ने किया। इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। इन संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखाना मजदूरों के संगठन के परिसंघ, कोच बम्बा विश्वविद्यालय के छात्रों, शहर में बढ़ती बेघर बार बार बच्चों की आबादी का समर्थन। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन किया था। सन 2006 में बोलिविया में सोशलिस्ट पार्टी की सत्ता हासिल हुई। इन दो उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। ये संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करना होता है। इसके लिए पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है, लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं करता है। संभव है कि नागरिक की इच्छा ना हो अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे जरूरत ना महसूस होती हो। संभव है कि उसके पास के लिए कौशल का अभाव हो और वह ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता हो। बहरहाल ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके हैं जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी मांग अथवा नजरिए का इजहार कर सकते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों अथवा नजरियों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों विधियां कर सकते हैं। इसे हित समूह अथवा दबाव समूह कहते हैं। कभी कभी लोग बगैर जिस संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। इसे समूह का आंदोलन कहा जाता है। एक आपने देखा होगा चंबल में डाकुओं का बड़ा राज हुआ करता कुछ समय पहले, अब तो वैसे खत्म हो चुके हैं। तो कई मतलब बड़े बड़े डाकू के गिरोह हुआ करते थे। उन्होंने सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया और उन्हें मतलब आजादी दे दी गई, उन्हें कोई सजा नहीं हुई। बात उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, संसद में जाकर बैठ गए। आप सोचिए कि अगर वहां एक डाकू होता तो उसे पुलिस मार देती, एनकाउंटर कर देती। लेकिन क्योंकि जब एक बड़ा समूह होता है तो उस पर अत्याचार करना या फिर उसे मार गिराना या उसकी आवाज को दबा पाना मुश्किल होता है। समझ रहे हैं आप लोग? उसमें से आपने देखा है कई डाकू आपके जाकर संसद में चुने गए, लोकसभा के लिए चुने गए, कई विधायक बने हैं, कई राज्यसभा में भी पहुंचे। तो समझ सकते हैं आप लोग कि एक बड़े दबाव समूह की सुनी जाती है। दबाव समूह और आंदोलन बातों संगठन। दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मुगेरी लाल के सपने जारी रहते, गरीबी हटाओ फील बोर्ड। ये गरीबी हटाओ का तो आंदोलन आप लोग 1947 के बाद से ही सुनते आ रहे हैं। हर पार्टी यूज करती रहती है, लेकिन अभी तक आप देखते हैं कि अभी तक ना तो गरीबी हटने का नाम ले रही है और ना ही हटती दिख रही है। अभी भी उसी पर राजनीति चलती आ रही है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता है। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे हित आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। दबाव समूह का कहने का सीधा सा मतलब है कि आप एक संगठन बनाते हैं, चाहे फिर वो छात्र संगठन हो या फिर चाहे किसान संगठन हो या आदिवासी संगठन हो, महिला संगठन हो, इसे ही दबाव समूह कहते हैं। ठीक है, ऊपर की चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसी बातों से हुआ है जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते। नेपाल में हुए जनसंघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। हम अक्सर कई तरह की सामूहिक कार्यवाहियों के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार होता सुनते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन। दबाव समूहों के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दबाव समूहों के विपरीत आंदोलन में संगठन ढीला ढाला होता है। आंदोलन में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं और आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, ना कि दबाव समूह पर। इनका कहने का सीधा सा मतलब है कि आप ये राजनीति में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार है उसके कामों को उजागर कर देती है। उसके बाद जनता के पास दूसरा ऑप्शन उसे पता चल जाता है। अभी आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया हुआ है कि जो भी चुनाव लड़ेगा, जो भी पार्टी किसी उम्मीदवार को खड़ा कर रही है,
तो उसे के बैकग्राउंड के बारे में बताना होगा कि इसने कितने मर्डर किए, कितने मतलब इस पर कोई मुकदमा है भी या नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं 60-70% आपके दागी विधायक या फिर सांसद संसदों में बैठे हुए हैं। उनसे उम्मीद आप क्या कर सकते हैं कि अगर वो वहां बैठकर कानून बना रहे हैं जो खुद 10-50 मर्डर किए बैठे हुए हैं, तो क्या उनसे आशा रख सकते हैं आप लोग अपनी सेफ्टी की? कभी नहीं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है, उसने भी कहा है कि वेबसाइट अपनी जो भी है, जैसे जिस भी सरकार है या जिस भी पार्टी का वो लड़ रहा है चुनाव, तो उसकी साइट पर डाल देना चाहिए और एक न्यूज़पेपर में भी छपवाना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसे आखिर टिकट क्यों दिया जा रहा है, क्या तुम्हारे पास बेदागी मतलब कोई ईमानदार नेता नहीं था कि उसे टिकट दिया जाए। यहाँ आपने देखा है बड़े बड़े बाहुबली जेल में चुनाव, जेल में मतलब बंद हैं फिर भी चुनाव जीत जाते हैं, ये मतलब किस हद तक राजनीति हो सकती है, समझ सकते हैं? ये बुरी स्थिति है, मतलब आपको लग रहा है कि शायद आज समय में इस समय में चल रही है, लेकिन ये जनता के हित के लिए कभी नहीं हो सकती है। वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह, हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं, मजदूर संगठन, व्यवसायिक संघ, पेशेवर, वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि आदि के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। ये दबाव समूह वर्ग विशेष ही होते हैं क्योंकि एक समाज के किसी खास तबके मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी फिर अथवा किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये संगठन सर्वसामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं जिनकी रक्षा जरूरी होती है। संभव है कि ऐसा संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहता हो उससे इसके सदस्यों को कोई लाभ ना हो। बोलिविया का फेडकोर नाम का संगठन ऐसे ही संगठन का उदाहरण था। नेपाल के मामले में हमने देखा है कि वहां मानवाधिकार के संगठनों ने भी भागीदारी की है, हमने ऐसे संगठनों के बारे में कक्षा 9वीं में भी देखा था। इन दूसरी किस्म के संगठनों को जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं, यानी कि एक पूरे खास समूह को नहीं लेकर अपने अपने समूह, जैसे आप देखते हैं कि किसान आंदोलन हो गया, ये केवल किसानों का मतलब हित चाहता है, सही चाहता है इनके बारे में। कोई आप सोचते हैं कोई जाति हो जाता है उसका भी संगठन बना लेते हैं वो लोग भी, तो वो अपनी जाति का हित देखते हैं, इनका सबका हित ना देखते हुए एक पूरे समाज का कल्याण, ये आपके संगठन का। इस तरह के भी एक संगठन होते हैं, मानवाधिकार संगठन कई बनाए गए हैं, तो इन्हें भी देखते हैं कि सभी मानव को, चाहे आप किसी भी जाति के हों, किसी भी मतलब कास्ट के नीचे हों या फिर ऊंचे हों, या पढ़ने में ना पढ़े लिखे हों, पढ़े लिखे हों, गरीब हों, अमीर हों, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके अधिकारों की कानूनी सुरक्षा करने से मतलब रहता है। ऐसे संगठन किसी खास हित के वजह सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनका लक्ष्य अपने सदस्यों का नहीं बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है। मिसाल के लिए हम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूहों के नाम ले सकते हैं, ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरी के बोझ तले पिस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं। कुछ मामलों में संभव है कि जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्य को साधने के लिए आगे आए जिससे बाकियों के साथ साथ उन्हें भी फायदा होता है। उदाहरण के लिए बामसेक, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लाइज फेडरेशन काम का नाम लिया जा सकता है, यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक जन समानता को हासिल करना रहा है। इसे देख रहे हैं आप लोग, जमीन के अधिकार को लेकर विरोध प्रदर्शन, पश्चिमी जावा इंडोनेशिया के किसान है। सन 2004 में एक दिन पश्चिमी जावा इंडोनेशिया के लगभग 5,000 भूमिहीन किसान इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। किसान अपने परिवार के साथ आए थे और भूमि सुधार की मांग कर रहे थे। किसानों का कहना था कि हम अपने फार्म वापस लौटा दिए जाए, हमें उनके फार्म। विश्व व्यापार संगठन और उसके विध्वंसक नियम कानूनों का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का नारा था कि जमीन नहीं तो वोट नहीं। उनका ऐलान था कि अगर किसी उम्मीदवार ने भूमि सुधार का पक्ष नहीं लिया तो इंडोनेशिया में हो रहे राष्ट्रपति पद से पहले प्रत्यक्ष चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब आपका आंदोलनकारी समूह, दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह भी शामिल रहते हैं
ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें इनकी एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन ज्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समावधि में हासिल करना चाहते हैं। नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था कि राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। और भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे आंदोलन का अच्छा उदाहरण है। नर्मदा नदी बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए। यह आंदोलन इस खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था। धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण किया। इसने सभी बड़े बांधों को और विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाए जिसमें बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया जाता था। ऐसे आंदोलनों में नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है, उनका संगठन भी होता है, लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलन के बरकस उन आंदोलनों को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं, जिनमें एक से ज्यादा मुद्दे होते हैं। पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ठेठ ऐसे ही आंदोलन है। पर्यावरण आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है और ये हमेशा चला रहता है। कभी आप समझिए कि खत्म होने वाला है, इस संगठन का हित पूरा हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि संभव है। महिला आंदोलन, अभी अभी आप देख रहे हैं कि हर समय महिला आंदोलन चलता रहता है। संसद में भी आप देखते हैं कि उन्हें सीटों की आरक्षित की बात की जाती रहती है, लेकिन अभी भी देखिए आप किस तरह से पिछड़े हुए हैं। 70वीं आपकी लोकसभा हुई थी, बता भी चुका हूं कि इसमें मतलब 543 दो आपके राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन को चुना जाता है जो नहीं अभी तक चुने गए हैं। तो 543 सदस्यों में से आपकी 78 महिलाएं चुनी जाती हैं केवल। तो आप समझ सकते हैं कि एक मतलब आधी आबादी में से केवल 78 महिलाएं चुनी जा रही हैं, और एक आबादी में से आप सोचिए कि इतने ज्यादा पुरुष चुने जा रहे हैं, मतलब सांसद चुने जा रहे हैं। तो ये असमानता ही तो है, इसी को लेकर कई बार मुद्दे भी उठते आ रहे हैं। 3 तलाक का मुद्दा अभी आप देखिए 2019 में जाकर खत्म होता है, कब से चला रहा है इसका मुद्दा। तो ये चलते रहते हैं। ऐसे आंदोलन की नियंत्रण अथवा दिशा निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता है। पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन तथा खास खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल है। इनके सबके संगठन अलग अलग हैं। सामाजिक आंदोलन और दबाव समूह नागरिकों को कई तरह से लामांत करने की कोशिश भी करते हैं। इस कॉलोज में कुछ ऐसे ही तरीकों को दिखाया गया है। इसमें बात करते हैं नेतृत्व भी अलहदा है और नीतिगत मामलों पर अक्सर इनकी राय अलग अलग होती है। इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के साझेदारी है और इनका दृष्टिकोण एक जैसा है। इस वजह से इन्हें एक आंदोलन यानी पर्यावरण आंदोलन का नाम दिया जाता है। कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलनों का एक ढीला ढाला या सर्वसमावेशी संगठन है। मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट NAPM ऐसा ही संगठनों का संगठन है। विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक हैं। यह संगठन अपने देश में अनेक जन आंदोलनों की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम करता है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं, आखिर इनका प्रभाव कैसे पड़ता है? दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह के असर डालते हैं। दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाया जाता है, चलाना बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज्यादा ध्यान देने दे। ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ तथा अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य होती है। एक बात आप लोग अभी समझ गए कि मुझे लगता है कि अब आंदोलन होना चाहिए। मैं भड़का नहीं रहा हूं किसी को, हकीकत यह है कि अब देखिए एक मीडिया को भी देखिए कि एक पर्टिकुलर मतलब समूह को दिखाने की कोशिश करती है कि उसने क्या खाया, क्या पहना, कैसे रह रहा है,
और एक तरफ आप देख रहे हैं कि भूख से जनता मर रही है, उसे दिखाने की कोशिश नहीं की जाती है। तो मतलब जो मीडिया है इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, समझ रहे हैं? फिर भी अपने मतलब अपनी सब कर्तव्य भूल कर अपना काम किए जा रही है। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लोबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों का प्रायोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत भी कर सकते हैं। हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होते हैं, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष जरूर होता है। आंदोलनों की राजनीतिक विचारधारा होती है और बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष भी होता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं। यहाँ सीधा सा कहने का मतलब है कि आप देखिए कि आपके राज्य में या फिर केंद्र सरकार में किसी की पार्टी है, किसान आंदोलन चलता है, तो एक विपक्ष की पार्टी का उसे सहयोग मिल जाता है, और विपक्ष की पार्टी का अगर सहयोग मिलता है विपक्षी का, तो जो जन समूह के साथ मतलब भावनाएं जुड़ी हुई है, जो जनता जुड़ती है, लाभवंद होती है, उसका एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसका पक्ष लिया जाता है, जो दूसरी विरोधी पार्टी है मतलब जो उसके पक्ष में खड़ी हुई थी उसी का मतलब मतलब सपोर्ट कर दिया जाता है, और जो सत्ता में रहती है वो गिर जाती है पार्टी। इसी तरह से इनका काम होता है, ये डायरेक्ट पार्टी में किसी में शामिल नहीं होते, लेकिन इन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहारा मिलता है, वो यह भी वही काम करते हैं। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं अथवा उनके नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन, छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं अथवा उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों से है। ऐसे दबाव समूह के अधिकतर नेता अमूमन किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नेता होते हैं। इसमें आप देखते रहते हैं, ये भी देखिए आप लोग, एक किसी मतलब एक पार्टी की समूह कहा जाता है संगठन, देखते रहते हैं आप लोग। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया। जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन में असम गण परिषद का रूप ले लिया। सन 1930 से 1940 के दशक में तमिलनाडु में समाज सुधारक आंदोलन चले। डीएमके और ए आई ए डीएमके जैसी पार्टियों की जड़ें इन समाज सुधारक आंदोलनों में जड़ ढूंढी जा सकती हैं। अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। आंदोलनकारी समूह ने नए नए मुद्दे उठाए और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह से आते हैं। एक बात आप लोग सोचिए, अगर अभी किसी की पार्टी है, अगर वो अच्छी काम कर रही तो किस लिए आंदोलन होंगे? अगर सभी मतलब समाज के सभी वर्गों का हित देखा जा रहा है, उनके उनके पक्ष में उनका कल्याण किया जा रहा है, तो आखिर किस लिए होगा? आप सोचिए, आंदोलन नहीं होगा ना। आंदोलन तो तभी होता है जब जनता में मतलब असंतुष्टि हो, जनता के सरकार के प्रति उसकी गुस्सा हो, तभी इस तरह के आंदोलन खड़े होते हैं। उसमें आप देखते हैं कि जो विरोधी पार्टी होगी वो उनका पक्ष लेगी। देखिए यहाँ ये मुझे तो लगता है कि ये चुनाव से पहले की तस्वीर हो जाती है और ये आपकी चुनाव के बाद की तस्वीर बना दी जाती है। कहते हैं ना कि पहले चुनाव के पहले नेताजी जनता के पैरों में होते हैं और चुनाव के बाद जनता नेताजी के पैरों में। कई लोकतांत्रिक सरकारें अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार RTI प्रदान करती हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हमारी संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है। नागरिक इस कानून के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों से उनकी विविध गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने बताया अभी विस्तार में कि इसके तहत आपके यहाँ जो काम चल रहा है, मतलब चाहे कोई सरपंच करवा रहा हो या फिर कहीं भी चल रहा है, विधायक साहब करवा रहे हैं, तो आपको पूछने का हक है कि इसमें कितना पैसा खर्च हुआ है, कहाँ से आया है, क्या बनवाया है आपने। तो समझ रहे हैं, एक जनता जागरूक जनता का यही काम रहता है कि वो पूछे, क्योंकि आपके टैक्स के पैसे से ही खर्च किया जा रहा है।
और आप देखते हैं कि एक साल नहीं चलता है पुल उड़ जाता है, पानी का एक बरसात होती है पुल खत्म, तालाब खत्म। तो आपको पूछना चाहिए आखिर कि इसमें क्या क्या लगाया जा रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा क्या जा रहा है और हम चुप बैठ जाते हैं। और यही चुप बैठना हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भारी पड़ जाता है। क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? दबाव समूह और जो आंदोलन है इनके प्रभाव सकारात्मक होते हैं। शुरुआती तौर पर अलग पर लग सकता है कि किसी एक तबके के हितों की नुमाइंदगी करने वाले समूह लोकतंत्र के लिए हितकार नहीं है। लोकतंत्र में किसी एक तबके के नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह जो सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह ही नहीं होते हैं। संभव है कि दबाव समूह और आंदोलनों को जनता से समर्थन अथवा धन ना मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूह को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो लेकिन उनके पास धन ज्यादा हो और इसके बूते पर अपने संकुचित एजेंडे पर भी सार्वजनिक बहस का रोक तोड़ मोड़ने में सफल हो जाए। लेकिन थोड़ा संतुलित नजरिया अपनाए तो स्पष्ट होगा कि दबाव समूह और आंदोलन के कारण लोकतंत्र की बड़ी की जड़ें मजबूत हुई हैं। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं, वास्तव इसके अवसर सबको प्राप्त हो। सरकार अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है। जनसाधारण के समूहों तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रति कार्य में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की जरूरतों तथा सरोकार से सरकार को अवगत भी कराते हैं। वर्ग विशेष हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हो तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है, दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालने की नीतियां इस तरह से ना बनाई जाए। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई अगर सरकार पर दबाव डालने कर भी कोई गलत काम करवाता है, गलत नीतियां बनवाता है, तो दूसरा समूह इसका विरोध करता है और एक बैलेंस बन जाता है। सरकार को ऐसे में भी पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति संतुलन बनाना संभव होता है। इसे भी देख लीजिए, किसी भी समाचार चैनल के समाचार एक हफ्ते तक लगातार देखें। निम्नलिखित क्षेत्र अथवा तबके का प्रतिनिधित्व करते आंदोलन अथवा दबाव समूहों से जुड़ी खबरों का एक खाका तैयार करें। किसान, व्यापार, मजदूर, उद्योग, पर्यावरण, महिला, इनमें से किसका जिक्र टेलीविजन के समाचारों में सबसे ज्यादा हुआ है? किस तबके अथवा हित समूह का जिक्र समाचारों में सबसे कम हुआ है? टेलीविजन की जगह आप अखबार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, इन्हें मतलब जो भी आपकी मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है लोकतंत्र, तो आप सोचिए इसलिए नहीं कहा गया था कि आप जाकर किसी पार्टी का पक्ष करें, इसलिए कहा गया था कि आप जनता की आवाज उठाएं और सरकार तक पहुंचाएं। लेकिन अधिकतर आपने देखा है कि अब पार्टी मतलब मीडिया भी समूह में बढ़ चुकी है कि कोई किसी का पक्ष ले रही है। आपको दिखता है कभी कि किसान आंदोलन हो रहा है तो उसका मतलब व्यापक कवरेज किया जा रहा है? अब इस समय आपको 21वीं सदी यानी कि 2020-21 तक आपको मुझे नहीं लगता है कि आपको देखने को इस तरह की मिल रही होगी जानकारी। एक आध टीवी चैनल अगर दिखा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अधिकतर अब इस तरह की नहीं दिखाते। अब आप ये देखते रहते हैं कि उसका बच्चा हुआ है, उस एक्टर ने ये किया है, उसने ये किया है, उसने शादी विदेश में की है या घर की है, खाया क्या है, क्या किया है, उसने कुत्ता कौन सा लिया है, कुत्ता को घुमाने कहाँ जाता है, इस तरह के समाचार आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। याद रखिए हम भी बड़े मतलब आदतन उसी तरह के हो गए कि जब तक मिर्च मसाला ना दिया जाए कुछ, हम भी चैनल देखना यानी कि न्यूज देखना पसंद नहीं करते। तो हमारी भी उसमें गलती उतनी ही है। बताया था कि शर्म नाम कुछ बचा ही नहीं। आप सोचिए कि इतनी शर्म की बात है कि हम उन लोगों को नेता बना रहे हैं जो मर्डर करते हैं, जो मतलब दुष्कर्मी है, जो मतलब डकैत हैं, उनको हम नेता बना के भेज रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी जाके? लोकतंत्र में मतलब आपको अधिकार दिया गया है वोट का, तो आखिर क्या भुगतोगी भी आप लोग? आने वाली आपकी पीढ़ियां भुगतेंगी। तो इसमें नेताओं से मतलब ज्यादा आप उसके लिए गुनहगार हैं, याद रखिए। मैंने देखा है कि कई जगह ऐसे भी आपने देखे हैं कि जिनकी शक्ल आपको पता नहीं है फिर भी आप उन्हें वोट दे रहे हैं क्योंकि उस
क्षेत्र का आपने सुना है कि उनका नाम है डॉन रहा है, वो उसने एक दो मर्डर किए हुए हैं, तो आप उसके नाम पर वोट दे देते हैं, आपके सामने वो आया हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी का परिणाम भुगतने को मिल रहा है आपको। ग्रीन बेल्ट हरित पट्टी मूवमेंट के अंतर्गत पूरे केन्या में 3 करोड़ वृक्ष लगाए गए। इस आंदोलन के नेता बांगरी मथाई सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं के रूप से बड़े नाखुश थे। उनका कहना है कि सन 1970-1980 के दशक में जब मैं किसानों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित कर रही थी तो मुझे पता चला कि सरकार के भ्रष्ट कर्मचारी वनों के अधिकांश विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने अपने चहेते डेवलपर्स को जमीन और वृक्ष अवैध रूप से बेच रखे थे। सन 1990 के दशक में राष्ट्रपति डेनियल आरे मोई की सरकार के कुछ तत्वों ने जातीय समुदायों को जमीन के सवाल पर आपस में लड़वा दिया। इसमें रिफ्ट वैली के अनेक कन्या वासियों की आजीविका और अधिकार जाते रहे। कुछ को अपनी जान गंवानी पड़ी, शासन दल के समर्थकों की को जमीन मिली और लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के पक्ष में बोलने वालों को विस्थापित होना पड़ा। यह सरकार की एक चाल थी जिसका उद्देश्य समुदाय को जमीन के सवाल पर आपस में लड़वा कर सत्ता पर कब्जा जमाए रखना था। अगर वे एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे तो लोकतंत्र की मांग करने के लिए उनके पास कम मौके मिलेंगे। एक बात आप लोग याद रखिए कि इस तरह का आप भी देखते हैं कि आपके देश में अगर किसी रोष है, सरकार ने काम नहीं किया, तो वो भी आपको राष्ट्रीय मुद्दे पर मोड़ देती है। और एक बात याद रखिए, अगर राष्ट्रीय मुद्दे पर बात होने लगे और राष्ट्रीय मुद्दा चुनाव का मुद्दा बन जाए तो आप लोग राष्ट्रीय मुद्दे को चुनेंगे, क्योंकि एक आपके मन में बड़ी भावनात्मक रूप से देश के प्रति लगान होती है। यही आपके नेपाल ने किया हुआ है कि नेपाल में सरकार के प्रति जनता का रोष्ट है, मतलब असंतुष्ट है उसके प्रति। तो अब सरकार ने क्या किया कि भारत के मामले में आपने देखा है कि उत्तराखंड की, वहां उसने अपनी जमीन के लिए विवाद शुरू खड़ा कर दिया। अयोध्या का मामला भी उसने घसीट दिया कि राम अयोध्या, यानी कि जो अयोध्या यूपी में है वो अयोध्या अयोध्या नहीं है, वो एक बनाया बनाया अयोध्या है, असली अयोध्या और राम का जन्म नेपाल में हुआ था। इस तरह से आप राष्ट्रीय मुद्दा उठ गया और जो निचले स्तर का मुद्दा होगा वो दब गया। इस तरह से फिर से दोबारा सरकार में आने का मौका मिल जाएगा, तो होता रहता है। तो ये अध्याय था आपका 5वां, जनसंघर्ष और आंदोलन। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी देख सकते हैं आप, और पीडीएफ सभी टेलीग्राम पर डली हुई, वहां से डाउनलोड करके एक दो बार उससे भी पढ़ लीजिए। और बस एक दो बार पढ़ना है, उसके बाद एक एक टेक्स्ट बुक ले लेनी है इससे, जो स्पेशल बुक्स है, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए इससे, इतना काफी। आप 1000 बुक रखने की बजाय एक ही बुक्स रखें, एनसीईआरटी पढ़ें और उसे ले लें, बहुत काफी है, ठीक है। अब बात करेंगे अध्याय 7 दे गए कक्षा 10वीं बुक्स का, लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड का 6वां अध्याय है आपका राजनीतिक दल, इसी में मिलते हैं हम लोग।